जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें और ये किताब जाते समय जरूर लेके जाइए मिस इन द फ्यूचर। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, बोले भारत माता की आलस आ गया आपका वेट कर रहे थे। वैसे इसमें श्याम जी कह रहे हैं कुछ बात तो सही है, लेकिन कुछ बात मैं भी आपको ध्यान दिला दूं कि मैं भी 1.5 घंटे से इंतजार ही कर रहा था। आप मेरा इंतजार कर रहे थे और मैं श्याम जी की बुलाने का इंतजार कर रहा था। क्योंकि मुझे पता है आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे मैं एक बात और कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का श्याम जी पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा, जब इन्होंने परसों मेरे से कहा तो मैंने कहा आप एक टिकट में 2 फिल्में दिखाना चाहते हैं, मैंने इनसे कहा था। तो इन्होंने कहा कि कार्यक्रम है, आपको आना है ऐसे ऐसे, और उसमें कार्यक्रम में मैंने कहा मैं तो कार्यक्रम बुलाना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कंपनी सेक्रेटरी इतने होशियार होते हैं कि एक टिकट में 2 फिल्म भी दिखा देते हैं। आज के इस आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्धजन एवं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सदस्यता अभियान और राजस्थान में होने वाले राइजिंग राजस्थान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री प्रदेश की सह प्रभारी ताई विजय राठकर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश धादी जी, भाई मोतीलाल मीणा जी, प्रदेश के महामंत्री श्रवण पगड़ी जी, कार्यक्रम के संयोजक श्याम अग्रवाल जी, प्रदेश के मंत्री भाई आयदान सिंह जी भाटी साहब, सह प्रभारी जयपुर शहर के नरेश बंसल जी, सदस्यता के प्रभारी भाई बीपी सारस्वत जी, और मेरे सामने विराजमान वो सभी अपने अपने क्षेत्र के महारथी और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाले मेरे सम्माननीय सीए सीएस सीएमए और आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्धजन उद्यमीगण, मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। क्योंकि आप आर्थिक प्रकोष्ठ से भी जुड़े हुए हैं और जैसा मैंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट और भाजपा के सदस्यता अभियान के इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए हैं, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कि ध्येय वाक्य है, और वो ध्येय वाक्य ये है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सभी का प्रयास, इस लक्ष्य को लेकर के चलने वाले हम आप सभी, जब हमारी दृष्टि में राष्ट्र के प्रति समाज के प्रति प्रदेश के प्रति कोई भी भाव अगर पैदा होता है तो निश्चित रूप से हम उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। इस बात को भी मैं ध्यान रखते हुए राजस्थान के आर्थिक विकास की दिशा में आपका प्रयास समाहित करने के लिए मैं राइजिंग राजस्थान में आप सभी को आमंत्रित भी करता हूं। सीए सीएस सीएमए वित्तीय विशेषज्ञ और उद्योग जगत
हमेशा से किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी आप रहे हो। यही नहीं, सीएसीएस सीएमए इतने महत्वपूर्ण हैं कि दुनिया भर के प्रमुख बड़ी कंपनियों के बड़े पदों पर काम करते हैं, निवेश सहित कंपनी के प्रमुख वित्तीय मामलों में अपनी राय भी देते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आप उस क्षेत्र के महारथी भी हैं, आपका अनुभव राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात बन सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप अपने क्षेत्र के महारथी हैं, आप जानते हैं कि ग्रोथ कैसे हो सकती है, ग्रोथ में हमारी सहभागिता क्या हो सकती है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए राजस्थान में, जो आपका मन है, आप जो देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये भी पता है आपका एक एक सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में काम करते हैं, आपका अनुभव है, आपका अनुभव बोलता है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, और मैं तो कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, और पूर्ण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये अनुभव जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक भी आते हैं। कोई अगर 15 साल का, 12 साल का, 17 साल का बालक भी अगर कोई सुझाव देता है तो वो भी हमसे और आपसे अच्छा सुझाव दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि उसका जो एक जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल करने के लिए उत्साहित करती है, और वो जिज्ञासा एक ऐसा सवाल खड़ा कर देती है जो आप और हम भी जब वो सवाल आता है तो देख करके हम आश्चर्य होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप निसंदेह, क्योंकि मैं वैसे भी आपको पता है वैसे मैं किसान हूं, पॉलिटिकल का कार्यकर्ता हूं, पॉलिटिकल मेरा विषय रहा है और राजनीति क्षेत्र में काम करता हूं, तो ये विषय तो मैं जानता हूं, लेकिन आर्थिक विषय में आप महारथी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और मैं श्याम जी से कह रहा था कि आने वाले समय में मैं राजस्थान के सभी हमारे सीएसीएस और हमारे उद्योग जगत के जो हमारे जितने भी लोग हैं उनकी एक हम बैठक भी बुलाना चाह रहे हैं, उसमें आपके सुझाव भी होंगे। और आज भी मैं कह सकता हूं कि आप अपने सुझाव हमारी सरकार को दीजिए, निश्चित रूप से आपके सुझाव जो हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने वाले होंगे उन सुझावों को हम समाहित करेंगे और आपका सहयोग करेंगे।